अड़ियां बैठ गई हैं, बतलान लगी और कान लगी का एक बात तुम्हें पता मने की का मतलब दो एक ही दिन बहु गांव में आत कथा कही क्यों चले गए हैं जिकी तुम्हें एक बात पता मने की का के मैं जो गांव में फर्स्ट नंबर है मने सोची फर्स्ट नंबर हो जाने कैसे फर्स्ट नंबर हुई है तो हमने की शायद पढ़ी लिखी ज्यादा हो तो मैंने पूछी का एजुकेशन है तुम्हारी का नहीं का एजुकेशन फिर एजुकेशन में कुछ ना जानता है मैंने की पढ़ी कितो हो तो ए जीजी मैं पढ़ी तो ना आई हूँ पर गुनी बहुत उनने कही पढ़े तो ना है पर गुने बहुत हूँ तो मैंने की मतलब क्या सोचो हमने की सोचे कैसे तुम बताओ ना हम तो ना सोच पाए रहे कल लगी फिर तुम कथा कैसे कहती हो कैसे पढ़ती हो कथा हम नहीं बताओ पढ़ के देते तुम बताओ तुम्हारा फर्स्ट नंबर कैसे हो है कल लगी अब मोर लगते है तुम ना समझ पे मोई बतानी पड़ेगी मैंने की तुम ही बताए थे कम से कम मैं समझ में तो आ जाए कान लगी देखो आ दिन तक मैं कितनी सुंदर बहु कोई ना आया इस जगह में माता बहने प्रशंसा करवाना बहुत आगे रहती सोचती कितनी हमारी प्रशंसा हो जाए बे कान लगी देखो मैं कितनी सुंदर बहु कोई जगह में ना आई तो हम समझ गए कि जी अपनी प्रशंसा करे वो चाहती है तो हम ने कही सही कहती है भाभी तुम्हारी कितनी सुंदर तो कोई बहु ना आया जा गाँव में और तुम्हारे जैसी लंबायु का की ना है अब भाव ऐसो बे भाभी वे भाभी जो रहे रोज एक लूटा लोटा दूध लाओ करें और रख दो करें रोज एक एक लोटा दूध लाए क्योंकि उनकी हमने प्रशंसा कर दी अब कथा को छठमो दिन भो सातमो दिन लगभग हाँ ताई से तो कही सातमो दिन जब बहुत तो हम कथा कहवे आए रहे और परिचित महाराज जब गांव में घुसत थे तो उन भाभी को घर पहले नंबर पे ही पत्तो तो जब गांव में घुसत थे तो पहले नंबर पे ही उन्होंने घर पत्तो रहे सो हमने देखी उनके द्वारे पे बहुत भीड़ भाड़ लगी रहे भाभी के द्वारे बहुत भीड़ लगी रही तो हमने अच्छा भीड़ देख के दो ये बातें मन में आती क्या कहूँ की लड़ाई हो ही गई है ओके मतलब हाँ तो हमने सोई सोची हमने की आज हमें लगा थे कुछ गड़बड़ है हमने गाड़ी रुकवाई हमने की जिस सामने भाई भाभी हमारी बहुत अच्छी सहेली बन गई है और इनके द्वारे पे भीड़ लगी है देखने चलो का बात है सो हम बात रुके सुबह जो भाभी रहे ना जो दूध प्याव करती थी उनके एक ससुर रहे एक सासु रहे सो एक एक कुन्ना में टिके ठाड़े और उन भाभी के हाथ में एक चप्पल थी उन भाभी के हाथ में एक चप्पल रहे वो बड़े बड़े लंबे हाथ उठाए उठाए के बातें करें तो हमने सोची कि जहाँ तक निकल लो वो जहाँ तो कहानी खराब हुए सो हम आए भैया अपनी कथा कान लगे अब भाभी लड़ लड़ाई की और कथा में जैसे ही आई हमने दूध ते आती भाई देख ली सोई हम तो भैया शांत बैठे गए क्योंकि उन्हें आत्म चप्पल देखी थी ना सो हम तो बिल्कुल शांत बैठे गए आई लोटा भर के लाई दूध रख दो अब हम चुप बैठे पूछने लगी काय का बात है आज काय को उदास काय को बैठी हूँ हमने की कछु कोई बात ना कछु बात तो है आज तुम रोज की तरह ना लगते हमने कछु ना ऐसे ही बैठे कल नहीं देखो तुम कितो छुपाओ कछु बात तो है आज हमने कई मन में सोची रोज एक एक लोटा दूध पिया हुआ है इनने और इन्हें जेपे ही जो इन्हें आत्म चप्पल हती इनको कछु भरोसो ना है हमने की भाभी जा नहीं गए तुम्हारा फर्स्ट नंबर हुआ है बोली समझ गई तुम
हमने कि यहाँ आज हम जाने गए तुम्हारा फर्स्ट नंबर हुए आज तक ना जान पाते कल लगी देखो हमने समझाई तो नहीं समझी अब समझ गई तुम तो ताज है बातें करने में और लड़ने में मत फर्स्ट नंबर राखियो ने कीर्तन फिरतन बोलने में फर्स्ट नंबर राख लियो करो हाँ